खरगोन जिले के सनावा शहर के वार्ड क्रमांक 2 में विगत कई दिनों से नगर पालिका परिषद द्वारा पीने का पानी सप्लाई करने का समय सुनिश्चित नहीं होने से वार्ड की महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान महिलाएं इस समस्या के समाधान करने के उद्देश्य से शिकायत करने नगर पालिका पहुंची, जहां महिलाओं ने नगर पालिका CMO राकेश चौहान को समस्या बताते हुए कहा कि विगत एक माह से वार्ड में समय अनुसार जल प्रदाय नहीं किया जा रहा है। इसके कारण प्रतिदिन हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले जल प्रदाय का समय निश्चित था, जिसके कारण समय पर जल प्रदाय होने से महिलाएं समय अनुसार अपना काम कर रही थी। आज वार्ड में ऐसी कई महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं नौकरी या काम करने जा रही है। ऐसी महिलाओं को पीने के पानी के लिए कई घंटों इंतजार करना पड़ता है। महिलाओं की बात सुनकर CMO चौहान ने महिलाओं से कहा कि पानी की मोटर खराब होने से यह समस्या आ रही है। जैसे ही मोटर आ जाएगी आपकी यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। मैडम क्या नाम है आपका? संतोष भाई यादव। ये आज यहाँ पर नगर पालिका में क्यों आए हम लोग? हमारा नल की समस्या है सर। हमको कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड क्रमांक 2। क्या है नल की समस्या? ये कि टाइम से नहीं आते नल, हम लोगों के कभी बेटाइम नल आते हैं। अब हम लोग बाहर काम करने वाले घर का पानी का समस्या कैसे हल कर सकते? कब से बनी है समस्या? एक महीने से हो रही है। क्या सोल्यूशन मिला है यहाँ से? अभी तो उनने बोला है 2-3 दिन बाद होगा। कौन से टाइम पे आ रहे हैं नल आपके? हमारे आ रहे हैं कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी शाम को 4 बजे। कोई टाइम नहीं है? नहीं, कोई टाइम नहीं है। एक टाइम आते कभी भी। पानी की समस्या का टाइम था उनका समय 8-9 बजे आ रही थी। पहले 9 बजे आता था, तो 4-9 बजे वापस हो जाए तो समस्या हल कर दी जाएगी इनकी 2 दिन में। सर क्या परेशानी आ रही है? खाली समय का पानी, मोटर खराब हो गई है इसकी वजह से 2 फेर में देना पड़ा। हाँ बस मोटर आ जाएगी तो उसको टाइम वापस आ जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।